ये चमकती हुई लाइटें जो आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां नहीं है, बल्कि हिसार के बिश्नोई मार्केट के अंदर, बिश्नोई मंदिर के अंदर लगभग 28 साल बाद मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहीं पर पहुंचने वाले हैं। और क्या क्या तैयारियां इस वक्त की जा चुकी, क्योंकि 7 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे श्री बिश्नोई मंदिर के अंदर महोत्सव के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुँचेंगे। वहीं आपको बता दें 573 वा जन्मोत्सव और जन्माष्टमी महोत्सव 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर के मंदिर में तैयारियां चल रही हैं, बड़े ज़ोरों शोरों से, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के साथ साथ पूरे मंदिर की सफाई की जा रही है। और इस साल खास ये है कि मंदिर में बिश्नोई समाज के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल की मूर्ति स्थापित की गई है। मूर्ति का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंदिर के प्रधान जगदीश चंद्र कड़वासरा जी से पूछते हैं कि आखिरकार क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं। कड़वासरा जी, मुझे ये बताइए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगभग 28 साल बाद कोई मुख्यमंत्री ऐसा है जो बिश्नोई मंदिर में पहुँचने वाला, क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं? बिश्नोई सभा हिसार 7 सितंबर को गुरु जम्बेश्वर भगवान का 573वां अवतार दिवस मनाने जा रही है और बिश्नोई सभा हिसार लगभग 70 वर्षों से जन्माष्टमी मनाती आ रही है। इस बार हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी बतौर मुख्यमंत्री हमारे बीच पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता। क्या ये कुलदीप बिश्नोई की वजह से हो पाया है कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर ये पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुँच रहे हैं? ये बिल्कुल बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई ने मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया, उन्होंने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। और इसी दिन हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि युग पुरुष बिश्नोई रतन चौधरी भजन लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा की प्रतिमा का अनावरण भी उनके हाथों द्वारा किया जाएगा। लगभग 98 साल हो चुके हैं ये बिश्नोई मंदिर बने हुए, लेकिन आज तक यहाँ पर किसी ने कभी सोचा नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल की मूर्ति का यहाँ पर अनावरण होना चाहिए। तो अब किसको लेकर के मन के अंदर क्या विचार आया, किसकी वजह से जो है इस बार यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित हो रही है? जो समाज के सभी, चाहे इवन महासभा तक का ये निर्णय था कि बिश्नोई रतन चौधरी भजन लाल जी ने न केवल बिश्नोई समाज के बल्कि 36 बिरादरी के लिए बहुत कुछ काम किया, और जो भी ये जब प्रतिमा उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी इससे सभी को एक प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे चौधरी भजन लाल जी इस हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए। यही वो पंडाल है जहां पर कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचने वाले हैं, क्या क्या तैयारियां की गई हैं? हमारे यहां सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय जी प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उसके बाद बिश्नोई गुरु जम्बेश्वर मंदिर में माथा टेकेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ एक पाल की प्रथा होती है, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 120 शब्दों से हमारी शब्दवाणी का वो किया था, तो उस पे 120 शब्दों से हवन होके और उसका पाल मुख्यमंत्री महोदय लेंगे। उसके बाद में मुख्य कार्यक्रम जिसमें गुरु महाराज की और कृष्ण महाराज, कृष्ण जी भगवान की लीला के बारे में, उनके जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा होगी, और आखिर में मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे यहाँ उसमें शामिल होंगे लंच में, और फिर कार्यक्रम का समापन होगा। तो क्या समापन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहीं पर रुकेंगे? नहीं, उसके मुख्यमंत्री जी महोदय का इतना बिजी शेड्यूल था कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से भी कुलदीप जी के आग्रह पर या लगभग 1.5 घंटे का समय यहाँ देने के लिए हमारा निवेदन स्वीकार किया, और वो 1.5 घंटे के बाद अपने जनसंवाद कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन जो है कल यहाँ पर पहुँचेगा? मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ साथ कल हरियाणा के विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा जी, हिसार से मंत्री श्री कमल गुप्ता जी, पूर्व मंत्री और हरियाणा के उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर जी, उनके बाद में पूर्व मंत्री श्री छत्रपाल सिंह जी, राजस्थान से बिश्नोई समाज के विधायक श्री बिहारी लाल जी नोखा से, श्री दूड़ा राम जी विधायक फतेहबाद से, भव्य बिश्नोई विधायक आदमपुर से, और अनेक जैसे बीजेपी अध्यक्ष हिसार के अध्यक्ष कैप्टन अभिमन्यु जी, कैप्टन भूपेंद्र जी,
और अनेकों प्रतिष्ठित लोग यहाँ भाग लेने आएंगे, जिसमें सोनू सिहाग जी भी हैं जो कि जिला परिषद के चेयरमैन हैं। 1995 के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल यहाँ पर पहुँचे थे और उसके 28 साल बाद पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि यहाँ पर हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुँचने जा रहे हैं। ठीक इसी जगह के ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुँचेंगे और बिल्कुल आपको साथ के अंदर दिखाना चाहेंगे कि मंदिर बनाया गया है और मंदिर जो है बिल्कुल यहीं पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहीं पर जो है जन्माष्टमी मनाई जाएगी। मंदिर के जो है बहुत सारे यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था जो है इस मंदिर के अंदर रहती है। वहीं अगर कल के प्रोग्राम की बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 6, 7 और 8 यानी कि 3 दिन हिसार के अंदर ही रहने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम की तो आपको बता देते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हासी के थुराना में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर एक जो है खेल प्रतियोगिता थी, वहाँ पर उन्होंने जो है बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। वहीं सीएम ज़िले में अलग अलग स्थानों पर होने वाले 8 जनसंवाद कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान ग्रामीणों से रूबरू भी होंगे और इस रूबरू होने के अंदर मुख्य बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है लोगों की जन समस्याएं जो है वो मूडे के ऊपर बैठ करके सुनेंगे और वहीं जो लोग हैं वो खाट के ऊपर बैठेंगे। पहली दफ़ा ऐसा कोई मुख्यमंत्री करने जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याएँ सुनकर उनका समाधान भी करवाएंगे। वहीं अगर बात की जाए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रोग्राम की तो सीएम का उड़न खटोला 6 सितंबर यानी कि आज 9:55 पर हासी के गांव थुराना में पहुंचा था। यहां 10 बजे से सीएम खेल स्टेडियम में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं और यहां से सीएम जो है वायर रोड होकर दोपहर 12:20 पर गांव ढाना कला पहुँचे हैं। वहीं यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले पार्क में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भाग यहाँ लेने के लिए जो है भाग लेंगे। वहीं आप लोग देख सकते हैं कि कल, क्योंकि बिश्नोई मंदिर के अंदर माना जाता है कि प्रसाद जो है बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसी प्रसाद के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ यहाँ पर मंगवा ली गई हैं। आप लोग देख सकते हैं गड्ढे जो है वो यहाँ पर कर दिए गए हैं। मुझे बताइए किस तरीके का प्रसाद यहाँ पर कल बनने वाला है? प्रसाद तो ये देसी का हलवा का बनेगा जी। तो हर बार जो है देसी घी का ही प्रसाद बनाया जाता है, तो प्रसाद में क्या क्या रहेगा कल? प्रसाद में वो छोले होंगे और ये प्रसाद ये हलवा होगा जी। तो क्या लंगर जो है 2 दिन आज और कल दोनों दिन चलेगा? लंगर तो वैसे कल तो पूरा ही दिन चलेगा जी, और वैसे लंगर की व्यवस्था आज भी है। कितने खुश हैं आप लोग कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पहुँचने वाले हैं? बहुत ज्यादा खुशी है। अरे एक और है, चौधरी भजनलाल की प्रतिमा लग रही है, इससे तो बहुत ही ज्यादा खुश है। क्यों? मुख्यमंत्री ये तो बाद में यहाँ मीटिंग करके ये बुलाई थी और पहले करा नहीं तो बहुत ऊंची लग रही थी। बिल्कुल हाँ। आपको बता दें कि चौधरी भजनलाल की प्रतिमा यहाँ पर लग चुकी है, अनावरण जो है इसका वो कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। और वहीं 7 सितंबर यानी कि कल की बात की जाए तो कल सीएम हासी रेस्ट हाउस से सुबह 9:35 पर सातरोड खास के लिए रवाना होंगे और यहां 10 बजे से 11:30 बजे तक सीएम जो है धरना भगत सार्वजनिक जाट धर्मशाला में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की जन समस्याएँ सुनेंगे। गाँव में 11:55 वाया रोड हिसार शहर स्थित गुरु जम्बेश्वर बिश्नोई मंदिर पहुँचेंगे, कि जहां पर अभी इस वक्त हम लोग खड़े हैं, यहां जहां की तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहां 12:55 से 2 बजे तक रुककर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पूर्व सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, यहां से 2:00 बरवाला के गांव मिर्ज़ापुर के लिए रवाना हो जाएंगे और गांव में 2:20 से लेकर के 3:50 तक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पहुंच जाएंगे। वहीं अगर कल की बात की जाए तो आपको बता देते हैं कि पहली बार जो है यहां पर भजनलाल की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। वहीं मंदिर के लिए ज़मीन 1977 में चौधरी भजनलाल कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने चौधरी देवीलाल से बोलकर मार्केट के लिए जगह दिलवाई थी। एक बड़ी बात इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इतिहास हुआ इस मंदिर का वो बता रहे हैं। इसके बाद 1998 से लेकर 1999 में मंदिर का मुख्य गेट का निर्माण करवाया गया। मंदिर के कैशियर कृष्ण पुनिया और अन्य लोगों ने बताया कि इसके बाद मंदिर का भवन निर्माण में उनका भी सहयोग रहा है। उन्होंने इस मंदिर के अंडर पंचकुला मंदिर को बनाने के लिए 4 कनाल ज़मीन भी दी है। टोहाना में एक किला
दिल्ली शोध संस्थान के लिए धर्मशाला बनवाई गई है। आदमपुर में 1.5 एकड़ में स्कूल बनवाया गया है। रतिया फतेहाबाद में मंदिर के लिए ज़मीन दी गई है। नहीं, अगर मंदिर में 3 दिन चलने वाले कार्यक्रम की बात की जाए तो शेड्यूल आपको बता देते हैं कि 6 सितंबर को 5 से 8 बजे तक सर्वधर्म सम्मेलन किया जाएगा। कार्यक्रम में GJU के कुलपति नरसी राम बिश्नोई मुख्य अतिथि होंगे। 7 सितंबर को गुरुवार को हवन एवं पाहल ग्रहण कार्यक्रम यह सुबह जो है 4:30-6 बजे से किया जाएगा। और ध्वजारोहण जो है वो भी आपको बता देते हैं वो कार्यक्रम के अंदर रहेगा। वहीं धार्मिक प्रवचन रहेंगे, साथ ही साथ जो है मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, झांकी दर्शन होंगे, जागरण होगा, साथ ही साथ जो है हवन और यज्ञ और उसका समापन कर दिया जाएगा। वहीं अगर इस पूरे मंदिर की बात की जाए तो इस मंदिर की कितनी जो है श्रद्धा लोगों के अंदर रहती है, मुझे बताइए इस मंदिर की श्रद्धा कितनी है? बहुत ज़्यादा है जी। मतलब कितने लोग जो है रोजाना यहाँ पर आते हैं? रोजाना 500 के करीब तो आते ही हैं। क्या 500 के करीब? आम दिनों में रोजाना 500 के करीब यहाँ पर भोजन बनता है और अब भंडारा चलता है। तो कल पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पहुँचने वाले हैं, कुछ सोचा है कि उनका स्वागत किस तरीके से किया जाएगा? भव्य स्वागत किया जाएगा। खूब तकड़ा, बहुत तकड़ा। तो अगर इस मार्केट की बात की जाए तो मार्केट भी जो है देवीलाल से बात करके भजन लाल ने यहाँ पर दिलवाई थी, तो क्या आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर भाजपा का भी कहीं ना कहीं रोल रहा है? सारा ही रोल है जी, इस टाइम तो सारा काम अच्छा हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितनी ज़्यादा खुशी है कि कल मुख्यमंत्री 28 साल बाद यहाँ पहुँच रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। अच्छा, कल उनके लिए कोई और मुख्य चीज़ की गई हो आप लोगों की तरफ से? मुख्य चीज के यही है, मान लो स्थापना ये दिवस मनाएंगे ये। अच्छा, मुझे तो बहुत बड़ी बड़ी है, लोगों को क्या कहना चाहोगे और बिश्नोई समाज को क्या कहना चाहोगे कल के लिए, एक बार ताव दे के दिखा दीजिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा जी, बहुत ही मान लो मान सम्मान होगा। ताव दे के दिखा दीजिए मुझे। अच्छा अच्छा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल के लिए भी इतना ही बढ़िया लगने वाला है? हाँ, तो इससे ही बढ़िया लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है लोगों में, बहुत लोग आएंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे 30 मण का हलवा बनाएंगे कल। अच्छा, 30 मण का हलवा और पटोड़े, भंडारा इतना बड़ा लगेगा। हर साल से कितने लोगों के पहुँचने की उम्मीद है कल यहाँ? या कम से कम 10,000। तो क्या झांकियां भी निकाली जाएंगी? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा, आज शाम से लेकर के कल पूरी रात तक यहाँ जाएंगे। इस बार जन्माष्टमी 2 है 6 और 7 को? नहीं, हम तो 7 को ही मनाएंगे। एक साथ में मनाएंगे जी, सब और जनानियां बहुत आएगी कल रात को तो यहाँ। और जो चंद्रमा उगेंगे उस टाइम, जो कृष्ण जी का जन्म हुआ उस टाइम, गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म हुआ, तो वे सारी उस टाइम वो स्नान करेंगी, खाना खाएंगी सब। हाँ बताइए आप। ये बहुत बढ़िया बात है, भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं हम। हाँ हाँ, इस दफा तो डबल खुशी है, डबल खुशी है। हमारे चोर साहब भजनलाल जी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं सीएम साहब। आपको बताइए कि आज रात को 12 बजे जो है कहीं ना कहीं जन्मदिन मनाया जाएगा श्री कृष्ण भगवान का, तो 12:01 के ऊपर आप लोग कैसे मनाएंगे? नहीं, वो तो हर साल की तरह मनाते ही हैं, मतलब भजन कीर्तन करके हम मनाएंगे जी। ये जाकी जुकी निकालते हैं, छोटा बच्चे को लेके ऐसे मान ले खिलाएगा उसको, उसके मान लो वो सारे बधाइयाँ बांटेंगे, बधाइयाँ फेंकेंगे, जो से मान लो पैसे है जैसे टॉफी है, मूंगफली है, रेवड़ी है, ऐसे फेंकेंगे और नाचेंगे गाएंगे। कृष्ण भगवान का, गुरु महाराज का जन्मदिन है उस दिन। बिल्कुल, आपको बता देते हैं महाराज जी का जन्मदिन है और श्री कृष्ण भगवान रात को 12:01 से ही उनका जन्मोत्सव मनाना शुरू कर दिया जाता है। उनको झूले के अंदर झुलाया जाता है, पालने के अंदर बिठाया जाता है, उनको जैसे छोटे बच्चे को लाड़ प्यार किया जाता है बिल्कुल वैसे ही उनको लाड़ प्यार किया जाता है। और पहली दफ़ा बिश्नोई मंदिर के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुँचने वाले, जिसको लेकर के बिश्नोई समाज के अंदर एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही खुशी है। इसके साथ साथ मार्केट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खुशी है क्योंकि पहली दफ़ा वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। खैर, देखने वाली बात यह कि कल जब वो पहुँचते हैं यहाँ पर तो क्या क्या होने वाला है, तो वो उससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे भी आपको इसी तरीके से सारी अपडेट देते रहेंगे। साक्षी सोन की रिपोर्ट, हिसार के बिश्नोई मंदिर से। नमस्कार।